बोकारो जिले से सीआईएसएफ जवानों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। वारदात बीती रात झरिया ओपी थाना इलाके के दामोदा एरिया कोयलरी वन स्थित दामोदा कारखाना की है, जहां से लगभग 7 लाख का तांबा और केबल बदमाश ले उड़े। सीआईएसएफ जवानों के मुताबिक बदमाश 15 से 20 की संख्या में आए थे। हथियारों से लैस बदमाशों ने सुरक्षा में लगे 2 सीआईएसएफ जवान को बंधक बनाकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ले रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि दोबारा ऐसा ना हो। यहाँ पर कुछ सामान है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए। जो दो सीआईएसएफ के जो है जान खतरे में थी, जिस प्रकार की बातें सामने आई, क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? नाम तो शिव यादव। यादव आनंद मुर्मू। आनंद मुर्मू। आनंद मुर्मू एस यादव, दो लोग। आपका क्या नाम हुआ और आपका? हमारा तरुण कुमार नाम हुआ। पोस्ट क्या है यहाँ का? हमारे यहाँ पे अभी मिलियर इंचार्ज है। यहाँ पे रिसेंटली हम कुछ दिन पहले आए हैं। कोई किसी प्रकार की घटना पुलिस के लिए चुनौती ही रहती है, उसी के क्रम में है ये चुनौती ही है। क्या चुनौती को आप स्वीकार करते हैं और अपराधी को जो है? पुलिस हर कांड को उद्भेदन करने की दिशा में प्रयास करती है, और इस कांड के भी उद्भेदन की दिशा में प्रयास करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।